Subscribe now and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विलियम गाइस, तो आपका स्वागत है मार्टी चैनल का जो इंडियम। तो जब हम बात करने वाले हैं चाइनीज ऐप के बारे में, सरकार द्वारा इन ऐप्स को क्यों बैन किया, किन कारणों से इन ऐप को बैन किया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल जाने जाइए। तो सभी आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप इन चाइनीज ऐप को यूज करते होंगे तो आप इन देखते होंगे कि आपसे बिना मतलब के परमिशन मांगते हैं अनावश्यक रूप से, या आपसे परमिशन ले लेते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, अगर आप कैमरा यूज कर रहे हैं या इनके ब्यूटी प्लस जैसे ऐप्स हैं, अगर आप इनको यूज कर रहे हैं तो आपसे ये लोकेशन का परमिशन मांगेंगे जो अनावश्यक है, या आपसे माइक का ऑप्शन मांगेंगे, या बहुत चीज़ें होती हैं जो अनावश्यक रूप से मांग ली जाते हैं इन ऐप्स में। अगर आप कैम स्कैनर के ले लीजिए तो उसमें भी आपका लोकेशन और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे माइक्रोफोन, ऐसे परमिशन आपसे मांगे जाते हैं। तो ये सरकार को इन चीज़ों पर बहुत बड़ी निगरानी थी कि ये क्यों ऐसे परमिशन मांग रहे हैं ये ऐप। और सरकार ने बताया कि ये ऐप से 45 में कम से कम ये 43 या 44 ऐसे परमिशन मांग लिए करते थे जो डेटा के लिए खतरा थे, और डेटा के मामले में ये बहुत खतरनाक साबित हुए थे। और ये ऐप्स ऐसे थे कि जो आपके जो भी डेटा थी, प्राइवेसी थी, वो लीक करते थे। अगर आप डायरेक्ट वेब से अगर आप साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऐप की जो भी यूजर्स है उनके जो भी डेटा रहते वो आपको वहाँ पर उपलब्ध जरूर मिलेंगे। सरकार ने भी आगाह किया था और खुफिया एजेंसी को भी इस बात पर बहुत बड़ी निगरानी थी कि हमारे डेटा लीक कैसे हुए, तो इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी थी। और सभी आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल विवाद भी चल रहा है, सीमा विवाद, जिस कारण सरकार की निगाह बहुत तेज़ थी। इस कारण सरकार ने इन ऐप्स को बैन लगा दिया है, और इन ऐप्स के बैन की वजह से बहुत से यूजर्स जो हैं, जैसे टिकटॉक और ऐसे आप ले लें जी, और ऐसे बहुत से जो गेम्स हैं या ऐप्स हैं, तो इन ऐप्स पर बैन लगने की वजह से ये ऐप्स आप अपडेट्स नहीं दे पाएंगे, ना प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेंगे, ये ऐप्स पूरी तरह हट जाएंगे। अगर आप इन ऐप्स को यूज करते हुए पाए भी जाएंगे तो आपको सरकार द्वारा उचित दंड दिए जाने का प्रावधान भी है। इस तरह के अगर आप वर्क करते हैं तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं, अगर आप इन ऐप्स का यूज करते हैं तो आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिससे आप पर भी खतरा कम हो जाएगा, जो हमारे देश की जो प्राइवेसी है, जिससे आप पर भी खतरा कम हो जाएगा, और जो भी हमारे देश पर निगरानी रखी जाती है डेटा चोरी कर के, तो इस हिसाब से आप भी सेफ रहेंगे और हमारा देश भी सेफ रहेगा। और हम बात करें कि ये डेटा चोरी करके इनको प्रॉफिट क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी देश है अगर उस देश का मेन जड़ डेटा ही होता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप उस देश का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाइनीज ऐप यूज करते हैं तो सभी डेटा आपके मोबाइल फ़ोन से ले लेकर, अगर अनावश्यक रूप से आपकी बातें सुनकर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी लीक कर के चाइनीज सरकार को देती हैं, तो सरकारें उन पर एल्गोरिथम के हिसाब से उन पर निगरानी रखती है और उनको समझती है कि लोगों को क्या ज़रूरत है इस टाइम पर और उन्हें क्या चाहिए। तो सरकार वहाँ पर फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाती है, और फैक्ट्री के माध्यम से या उत्पादन के हिसाब से सरकार उन चीज़ों की बिक्री यहाँ पर भारत में अधिक मात्रा में करती है। इन माध्यम से सरकार ने इन कंडीशन को समझा और सरकार ने इन चीज़ों पर बैन लगाया जो ज़रूरी था इन चीज़ों पर बैन लगाना। तो ये रही चाइनीज़ ऐप पर बैन की बात। तो दोस्तों, अब कैसी लगी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल ज्वाइन करिए, और हमें कमेंट जरूर बताइए चाइनीज़ ऐप बैन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।